हे गाइस, वेलकम बैक टू डेंको ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और फर्स्ट, सबसे पहले एक काम जरूर करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब मस्ट करिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो चलो, आज का ब्लॉग जो है मेरा वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। कॉस्मेटिक्स मैंने ना ही परचेज किया था, मैंने ईद से पहले परचेज किया था और मैंने जो है उसका ब्लॉग बनाते 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 ये टाइम आ गया मुझे कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसका, लेकिन जो है मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो पुराना जो मेरे पास था वो मैंने यूज़ कर लिया। तो मैंने बोला ये आप लोगों के साथ जो मैंने फ्यू कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, फ्यू कुछ और चीज़ें, वो मैंने बोला सही आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से ली। कुछ ऑनलाइन पेजेस से ली हैं और कुछ जो है ऑनलाइन पेजेस मतलब दो पेजेस मैंने ली हैं और वो भी कॉस्मेटिक्स की नहीं है, वो कोई और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो है मेरा जो नाहिद का विजिट था वो इस वजह से ईद से पहले लगा था कि चलो हम कुछ ले लें कॉस्मेटिक्स वगैरह, न्यू प्रोडक्ट परचेज कर लें ताकि हम उसको ब्लॉग में भी बना सकें, एक कंटेंट मिल जाता है दूसरे इंसान को। और जो है मैंने वहाँ से जो चीज़ें परचेज की वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो लेट्स मूव ऑन टू माई कॉस्मेटिक्स शॉपिंग हॉल। तो ये नाहिद का शॉपर है जो वहाँ से ऑलरेडी जो परचेज करता होगा उसको इस शॉपर में मिलती होंगी चीज़ें। तो ये इस शॉपर में थी, मैंने इस शॉपर से उससे दिखाया कि ये जो है मैं नाहिद से ही परचेज की हूँ। इसके ना सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ही हैं, कॉस्मेटिक्स मतलब जो जो चीज़ें आपकी फेस की होती है ना वो सारी चीज़ें हैं इसमें। पहले सबसे तो मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ वहाँ से मैंने ये चीज़ बाई की थी, एक कॉम्बो बाई किया था ये मैंने वहाँ से ना पूरा। ये देखिए, ये बेस है इसकी, ये इसका कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड ये इसकी इसका कंसीलर है। कंसीलर मतलब इस कंसीलर स्टिक होती है ना जो, वो है, खोलकर भी दिखा दो, ऐसे फॉर्म के अंदर होगा ये, ऐसे स्टिक की फॉर्म में होगा। और ये मेरा ही शेड है, ये शेड असल में ये अगर आपको लाइट भी लग रहा है ना शेड, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर ही है लेकिन जो है ना लाइट हर किसी की स्किन की टोन डिफरेंट होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेड लेते हैं अपनी स्किन की टोन के रिलेटेड। और अगर आप कंसीलर लगाते हो ना यहाँ पे, जैसे बहुत ब्लैक ब्लैक होती हैं जिनके यहाँ पे और प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, नींद जो नहीं ना लेते उनकी वजह से भी डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। और जो है ना जिनको जागने की बीमारी होती है ना मेरी तरह, वो अगर एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कोई और चीज़ कर रहे होते हैं, एडिटिंग कर रही होती हूँ बैठ के, रात को ही ब्लॉग बना रही होती हूँ और रात को ही एडिटिंग कर रही होती हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता, घर का काम कर रही होती हूँ या समटाइम्स एडिटिंग करके सो रही होती हूँ, तो जो ना तो जो है वो उनको डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, मुझे भी डार्क सर्कल पड़ जाते हैं और कुछ को उनकी टेंशन से पड़ जाते हैं जिनके ऊपर बुजुर्गी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहती रहती हूँ। तो जो है कंसीलर अगर आप पुट करते हैं ना तो आपके अगर डार्क सर्कल्स होते हैं ना तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई मत किया करें, पहले आप यहाँ पे कंटूर स्टिक में जो डार्क शेड आता है ना ब्राउन कलर का उसको अप्लाई करें, देन उसको अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई करें तो आपका वो ग्रे ग्रे टोन नहीं आएगी, जैसे लगाएंगे तो ग्रे ग्रे टोन नहीं आएगी, आपकी स्किन से मैच हो जाएगा। उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिएगा तो उससे सही हो जाएगा बिल्कुल। एंड देन ये बेस ली थी मैंने वहाँ से, फिटमी की ही है ये भी अभी तक मैंने यूज नहीं की हुई, तो जो है ये फिटमी की ही बेस है जो मैंने ली है। शेड क्या है इसका, 110 यहाँ पे शेड लिखा हुआ है जो कि उसके लिए नॉर्मल टू ऑयली स्किन, नॉर्मल मैंने ली थी, नॉर्मल टू ऑयली स्किन अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, कितना बोलती हूँ ना मैं, बहुत बोलती हूँ और ये बोलना मुझे ना मेरी एडिटिंग में मैं भारी पड़ जाती हूँ, जब एडिटिंग कर रही होती हूँ ना बोलती हूँ हाय अल्लाह यानी तुम कितना बोलती हो। और मैंने ये अल्ट्रा ब्यूटी के छोटे छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर्स लिए थे वहां से, आंखों के नीचे अपना टैप टैप करने के लिए छोटे छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे। हो गया नहीं आज क्या हो गया, बस कर जाओ। एनीवेज मैंने ये ना अल्ट्रा ब्यूटी के ब्यूटी ब्लेंडर्स लिए थे नाहिद से, जो के
आपकी जो ये अंडर आईज होती है ना, छोटी छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आपको बड़ा मोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर नहीं जा रहा होता, तो वहां के लिए यूज करने के लिए मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे, ये लिए थे। और जो है अपनी आंखों का ख्याल रखने के लिए आपको भी ख्याल रखना चाहिए अपनी स्किन का। तो मैंने वहां से आई पैचेस लिए थे जो आंखों के लिए यूज होते हैं, बायो एक्वा के हैं ये, आईज के नीचे रखते हैं इनको, थोड़ी देर के लिए लगा के सुकून हासिल करके यूं करके लेट जाएं आप और मोबाइल से दूर रहें ताकि आपकी आंखें सेफ रहें। इट्स माय मैसेज टू यू ऑल। एनीवेज मैंने ये लिए थे वहां से, और मैंने ये कॉटन पॉल्स लिए थे, नेल पॉलिश रिमूविंग के लिए भी यूज होते हैं, आई के नीचे भी अगर आपको सिरम वगैरह लगा रहे हैं कुछ लगा रहे हैं तो डैप डैप करने के लिए भी यूज होते हैं, टॉनर के लिए भी यूज होते हैं, एंड जो है बहुत सारी चीजों के लिए यूज होते हैं। आप नेल रिमूविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ये कॉटन बॉल्स है, सही कॉटन बॉल्स, मतलब जो कॉटन होती है आम, हम उस कॉटन को लेकर आते हैं ना वैसे ही कॉटन बॉल्स बनाए होते हैं हमने अलग अलग से। और मैंने ये कॉटन राउंड पैड्स लिए थे वहां से, क्योंकि कॉटन राउंड पैड्स बहुत यूज होते हैं, अगर आप कोई अपना होम रेमेडी बना रहे हो उसके अंदर डिप करो उसको, डिप करने के बाद उसको आइस पर रखो, गोल गोल ऑलरेडी ही कटे होंगे वो, गोल गोल लेंगे राउंड पैड्स हैं तो वो आराम से कटे होंगे ना, तो आपके आइस पे आराम से फिक्स हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सिंग के लिए बहुत सूटेबल। तो ये लिया था वहां से मैंने, और मैंने वहां से आईलैश ग्लू ली थी, आईलैश ग्लू वाटर प्रूफ है ये, वाटर प्रूफ आईलैश ग्लू। और अगर आप लोगों ने थिनर लेना है, मैं आज आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ, थिनर आते हैं वो राउंड राउंड वाले थिनर आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ, देखिए तो मैं ले आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है ना मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जो लेते हैं ना, अगर ये वाले लेते हैं स्पेशली दिस ब्रांड, तीन दफा परचेस किए हैं, तीन दफा, एक दफा पहले परचेस किया फिर दूसरी दफा परचेस किया, नेल पेंट रिमूव करते ही नहीं है, अगर ये है भी नहीं ना ड्राई, अगर अब तो ये ड्राई हो गए बस काफी देर से पड़े हुए हैं, लेकिन जो है ना मैंने ऐसी रखी है कि मैं कुछ और चीज यूज कर लूंगी, थिनर लगा के अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर लूंगी, मैंने ऐसी रखी है, लेकिन जब इनके ऊपर थिनर होता है ना ऑलरेडी ये, तब भी आपकी नेल पॉलिश रिमूव नहीं करती। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये इसका रिव्यू दिया है कि ये वाला जो ब्रांड है ना OBN का, और ये जो मेकअप रिमूविंग पैड्स आ रहे हैं इसको लेने से गुरेज करें, क्योंकि ये नहीं है अच्छे, बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने कोई परचेज नहीं की, ये पहले का परचेज की बात है। और ये ऑलरेडी मैं थिनर यूज करती हूँ, ये है कैरिस का है थिनर जो कि मैं यूज करती हूँ, और ये नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना ये सबसे बेस्ट है ये थिनर। और ये थिनर आता कितने का है, 275 की ये बॉटल आती है, और मैंने जो है ये वाली जो बॉटल ली है ना वो मैंने, और एक इसकी मैंने छोटी सी बॉटल ली थी और एक मैंने बड़ी सी बॉटल ली थी, क्योंकि मेरे को बार बार आने जाने में ना जरा प्रॉब्लम हो जाती है और पैसे भी लगते हैं भाई किराए के ऑटो के पैसे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने, और ये अगर आपको छोटी परचेस करनी है तो ये 150 की आपको मिल जाएगी, 150 की मिल जाएगी, तो ये थिनर बेस्ट है अगर आपको लेना है। तो मैंने वहां से थिनर लिया था, एंड मैं जो हूँ ना ब्रश ढूंढ रही थी काफी अरसे से हाइलाइटर का, जो कि मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, और जिससे जहाँ से भी मैं पता करती थी उसके जो ब्रिसल्स थे वो इतने बेकार होते थे, तो जो ना मैंने फिर बोला मैं खुद पता करूंगी, अब ट्वीट फेस का है ये प्रोफेशनल, ये ऐसा ढूंढ रही थी फैन ब्रश, तो ये मुझे फैन ब्रश कितने का पड़ा है, 475 का ये फैन ब्रश पड़ा है, और ये फैन ब्रश काफी अच्छा है क्वालिटी वाइज, ये देखें मजे का ऐसे टेक्सचर, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट इसके ये हैं ब्रिसल्स, और जो ना ये मैंने बाय किया था और ये अच्छा है काफी, इसका पीछे का लुक भी इतना प्यारा बनाया है क्रिस्टल, आप लोग खुद वहां से सर्च कर सकते हैं, नाहिद की साइड है, वहां से जाके आप कॉस्मेटिक्स का रेट वगैरह सब चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल चीजें मिलेंगी, और ओरिजिनल चीजें ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो मेकअप इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो जो है आप जो है वहां से बाय कर सकते हो, एंड ये मैंने वहां से बाय किया है और मुझे बहुत अच्छा और रिजनेबल रेट पे मिल गया, 475 का है ये, एंड जो है इसके ब्रिसेस भी बहुत अच्छे हैं, तो जो है प्रोफेशनल है तो अच्छे होंगे ही, तो ये हाइलाइटिंग के लिए यूज होता, तो मुझे ये चाहिए था, मैं कब से ढूंढ रही थी, तो मुझे अभी मिल गया, सही एक ये लिया था मैंने वहां से, और मैंने ये नेल ग्लू ली है, ये मैं पहली दफा लेके आई हूँ वहां से, नेल ग्लू ट्रेंडी प्रोफेशनल सीरीज, और जो है ट्रेंडी की है ये, और ये मुझे कितने की पड़ी थी, 175 रुपीज की पड़ी है नेल ग्लू, अभी जब मैं नेल्स अपने फेक नेल्स अगर मैंने लगाए तो फिर बताऊंगी कि ये कैसी है, अदरवाइज मैंने अभी तक ये यूज नहीं की, मैंने दूसरी यूज की थी,
मैंने वहां से लेनी थी कंटूर पैलेट, तो कंटूर पैलेट तो मुझे मिली नहीं, तो जो है मैंने काफी जगह से ढूंढा, ब्रांड से ढूंढा, मेबीलैन से पूछा, मैंने मेबीलैन से पूछा और मैंने किससे पूछा था, और मैंने भी दो तीन ब्रांड वहां सर्च किए थे, उनसे भी मैंने पूछा तो नहीं थी, एसेंस पे जाके पूछा वहां नहीं थी, कंटूर पैलेट खत्म हो गई है, खत्म हो गई, खत्म हो गई है, उन्होंने ये बोल रहे थे। तो फिर जो है ना मैंने ऑनलाइन मंगवानी थी, लेकिन मैंने बाद में देखा मिस रोज की पैलेट थी कंटूर की, और मैंने बाद में देखा, इतने देखा तब मैं ले चुकी थी ये, तो फिर मेरे को नहीं लेनी थी, तो मैंने नहीं ली, बाद में मंगवा लूंगी मिस रोज। तो मैं उसकी जगह जो हूँ ये एसेंस की बेस है, ये एसेंस की जो के फाउंडेशन है उस ट्रांसफर है, वाटर प्रूफ है और ऑल डे है, एसेंस की बेस है, डार्क फॉर्म में कंटूर के लिए यूज होगी, क्योंकि मेरा इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लगा के, आप कंसीलर और कंटूरिंग के लिए ये शेड यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये बेस ले ली, ऐसी है कुछ, ठीक। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ कंटूर करने के लिए, कंटूर होता है जो, या अंडर आईज पहले कंसीलर से कंटूर आपकी डार्क वाली लगती है, एक तो वो स्टिक थी मेरे पास तो मैंने स्टिक नहीं ली, ये देखें ऐसा है ये शेड, कुछ मेरा कॉम्प्लेक्शन से तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये शेड मैंने कंटूर के लिए यूज करने के लिए ली है, और ये एसेंस की है, एसेंस ब्रांड है उसकी है ये बेस, एंड ये मुझे कितने की पड़ी है, ये मेरे ख्याल से 1500 रुपीज की थी, इसके ऊपर उन्होंने कहीं बताया भी नहीं है, उसने असल में मुझे अंदर से निकाल के दिया था, इसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन जो है ना ये जो है मेरे को 1500 रुपीज की पड़ी, ये एसेंस का कंटूर कर लो, यूज कंटूरिंग के लिए यूज कर लो, कंटूरिंग के लिए इतना डार्क शेड यूज होता है मुझ जैसे स्किन के ऊपर, अदरवाइज दूसरों की कॉम्प्लेक्शन की स्किन के मुताबिक उनके ऊपर यूज हो सकता होगा शेड, तभी तो फाउंडेशन बनाई गई उन्होंने। फिटमी का ये कंसीलर लिया था, ये वाला कंसीलर, अब आपको ये पता चल रहा है ना शेड, ये वाला शेड, यही वाला शेड है, ऐसे शेड है, कंसीलर मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने एक ये कंसीलर इसका भी लिया था, और उसका भी पहले मेबीलैन का भी लिया था, वो मेबीलैन फिटमी एक ही ब्रांड है, इसका भी है, इसके अंदर स्टिक है और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो ये लिया था वहां से, और मैंने ये काजल लिया है, ये क्लाइनर होता है जो, ये मैंने लिया है, ये किसका है, प्रोमोर करके ब्रांड है ये, मुझे इसका मेरे पास ना मैंने वहीं से ना ही से वो भी लिया था, लिप ग्लॉस भी लिया था, लेकिन मेरा ये जो नाम है ना ब्रांड का, ये नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता, आप लोग देख लीजिएगा, ये इस ब्रांड का है, एंड जो है ये अंदर से भी दिखा देती हूँ खोल के, ऐसा आता है कुछ, एक ब्लैक है, जेड ब्लैक है, एक जेड ब्लैक है, दो ब्रशेस मिलेंगे आपको उसके साथ, एक जेड ब्लैक है और एक ब्राउन है, सही। तो आप लोग जोन सा भी अप्लाई कर सको, ब्लैक अंडर आई भी अप्लाई होता है, जेड ब्राउन अगर आपने आईब्रोज के लिए यूज करना है तो उस पर भी यूज जाता है, और मैंने ये अभी तक यूज नहीं किया, मैं पेन लाइनर, आप लोगों को तो पता है पेन लाइनर हर वीडियो के अंदर मेरा पेन लाइनर होता है जब मैं मेकअप की कोई ट्यूटोरियल बनाऊँ तो, अदरवाइज ये दो फॉर्म, दो कलर्स हैं, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है, जो कि आपका आई लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके आईब्रोज भी बना सकते हैं, और अंडर आई अगर आपको लगाना है तो आप काजल के फॉर्म में भी लगा सकते हो। तो मैंने एक ये लिया था, और जो है ये हेयर बैंड है जिसका मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी, ऐसा ऐसे बाल बनते हैं, ऐसे मैंने आज तक बनाया नहीं, मैंने वहां से देखा था तो मैंने ले लिया, कि ये क्लिप है जिसकी यहाँ से ये हुक्स खुलती हैं ऐसे करके, और जो है ना ये बालों का डिजाइन बनाता है टी-शर्ट फॉर्म के अंदर, तो इसका ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगी आपको मैं, कि बाल कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनते हैं कि नहीं बनते, ये भी बताएंगी उसी ट्यूटोरियल के अंदर। तो मैंने ये लिया था, और ये पफ लिया था वहां से मैंने, और ये पफ जो है ऐसा है कुछ, आजकल बहुत यूज हो रहे हैं ना ये पफ, ये आपकी फिंगर के ऊपर ऐसे लग जाता है, अभी मेरी फिंगर अंदर नहीं जा रही, चली जाएगी अंदर चला जाता है यूं करके, तो चलिए यूं करके ये देखिए ऐसे चला जाता है, और फिर आप इसको आराम से यूं यूं टैप कर सकते। तो ये वाला लिया था मैंने, एक पफ लिया था वहां से, और मैंने मस्कारा लिया था, ये मस्कारा कब का आया हुआ है, और मेरा इस मस्कारे पे दिल आया हुआ है, क्योंकि ये मस्कारा मैंने लेना ही लेना था, मैंने इसलिए पैसे जमा किए, और जब मेरे पास पैसे जमा होते हैं तब मैं जाके कॉस्मेटिक्स लेती हूँ, क्योंकि कॉस्मेटिक्स बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है कॉस्मेटिक्स, जब आप जाते हो ना आपकी जेब खाली होती है और फिर आप घर आते हो। तो जो है मैंने ये देखा था, सारे ब्लॉगर्स ने इसका दिया जो है ट्यूटोरियल बना के, उनको बहुत अच्छा लगा और ये सब चीज़ें उन्होंने दिया था, और ये टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी, और इंस्टाग्राम पे भी इसकी हाइप थी, तो मैंने बोला चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो जो है ये सेंसेशनल लॉन्ग एंड सेंसेशनल है, मेबीलैन न्यूयॉर्क का ये मस्कारा है जो कि मैंने परचेज किया है, और ये मस्कारा मुझे 2500 का पड़ा है ये मस्कारा,
तो जो है ये मैंने मस्कारा लिया है वहां से, और ये मस्कारा इसका ट्यूटोरियल आएगा, मैं इसका भी और पहले वाला जो मेरा मेरे पास मस्कारा है उसका भी ट्यूटोरियल दूंगी। इसका ब्रश ये देखें ऐसा है, कुछ आराम से ना ही मूव ऑन हो सकता है, और मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए। तो जो है ये इसका ट्यूटोरियल मैं आराम से दूंगी आपको तसल्ली के साथ। इसका और एक और जो मस्कारा मेरे पास पहले है ना, मेबीलैन का ही है, मेबीलैन नहीं रिमल का है मेरे पास। तो जो है इसका और रिमल का कंपैरिजन करेंगे कि जो है ना कैसा लगा दोनों का, क्या है टेक्सचर सही। तो ये लिया था वहां से, और ये मेरी ना हीट की चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। और ये ब्लशिंग का शेड है, फिटमी का है ये ब्लश ऑन, जिसका शेड है ये बहुत प्यारा शेड है, शिमरी टाइप है। अगर आप अपना ब्लश लगाते हो ना, तो देखिए ये तो मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लगा दिया मैंने ये। अगर आप अपना हाईलाइट करना चाहते हो आराम से, पिंकी पिंकी स्टिक्स करना चाहते हो, तो ये बहुत प्यारा शेड है, बहुत ज्यादा प्यारा है, शिमरी शिमरी टाइप। तो मुझे शिमर टाइप बहुत अच्छी लगती है चीज़, मुझे बहुत पसंद है शिमर टाइप चीज़। तो मैंने ये लिया था वहां से, और ये आईलाइनर का ब्रश है, आईलाइनर लगता है ना जिस ब्रश से, वो ब्रश है, ये ब्रश लिया था वहां से। ऑलमोस्ट मेरी चीजें खत्म हो गई हैं, और दो मास्क लिए थे ये मैंने, विटामिन सी के हैं ये मास्क, एंड दो ये डॉक्टर रेशलिए गोल्डन फेस मास्क लेके आई हूँ, 24 कैरेट गोल्ड फेस मास्क है। इसका भी अलग से डेमो आएगा, इन दोनों का अलग से डेमो आएगा कि इन्होंने मेरे फेस के ऊपर कैसा अफेक्ट डाला। और जब भी आप लोग लेते हैं ना, तो एक्सपायरी डेट जरूर देख के लिया करें। इसकी एक्सपायरी देखें 2025 में एक्सपायर हो रही है, अगर ये पड़े भी रहेंगे ना मेरे पास तो ये महफूज रहेंगे। और इसका डेमो चलो हम नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे, ब्लॉग लंबा होता जा रहा है मेरा। प्रेशर रोलर एंड मसाजर है ये, जेड रोलर आया था ना, जो जेड रोलर ये भी काफी अर्से का आया हुआ है, मेरे पास अब आया है क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो मैंने अब लिया है। तो मैं क्या करूँ, मैं गरीब ब्लॉगर हूँ, तो जो है ना मैं जो ये जेड रोलर है ये, इसका भी रिव्यू दूंगी आप लोगों को, ये कैसे यूज होता है और कैसे नहीं यूज होता। जिनसे अपने हाथ का हाथ से फेशियल मसाज नहीं किया जाता ना, वो लोग ये यूज कर लेते हैं। तो ये इसका भी आप लोगों को अलग से डेमो दूंगी अलग ब्लॉग के अंदर, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ऑलमोस्ट लंबा हो गया है। और जो है ये ऐसा है, कुछ एक रोलर है और एक स्टोन है, तो गुआ शा स्टोन होता है ना वो है ये, तो इसका भी आपको अलग से रिव्यू देंगे। तो यही थी ऑलमोस्ट मेरी सारी चीजें, और आप बताइएगा आप लोगों को कौन सी अच्छी चीजें लगी इसमें से और कौन सी नहीं अच्छी लगी। और अगर आप लोगों को भी परचेस करनी है, तो ये जेड ऑर्डर का पेज तो मैं बाद में बताऊंगी आपको मैंने कहाँ से लिया, और जो है ना बाकी सब चीजें मेरी नाहीद की हैं। तो अगर आप लोगों को परचेस करनी है ये नाहीद की चीजें, तो आप परचेस कर सकते हो, परचेस कर सकते हो नाहीद की साइट से जाके। अगर आप नाहीद नहीं जा रहे हो, मैंने नाहीद हैदराबाद वाले नाहीद से ये सारी चीजें ली हैं, तो अगर आप लोगों को परचेस करनी है तो आप उनकी साइट से भी परचेस कर सकते हो, और इजली आपके घर पे आ जाएंगी चीजें। और जो है आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा भी ख्वाब है कि मेरा यूट्यूब के चैनल बहुत अच्छा रन हो जाए, और ये ख्वाब रंग लाएगा, लाएगा रंग, हम अभी यही है, रंग लाएगा, हम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। तो जो है चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर सबको, एंड लव यू ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय।